सो गाइस, इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी एंड कबड्डी के रिलेटेड टॉप 10 अपडेट्स। यहाँ दोस्तों रोज की तरह आज भी कबड्डी रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे चैनल 35 के सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है, सिर्फ 150 सब्सक्राइबर और ही चाहिए। तो गाइस, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सोच नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 35 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इस चैनल पर कंप्लीट करवा दीजिए। गाइस, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे मैं बात करने वाला सबसे पहले बंगबंधु कबड्डी कप के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है आज बांग्लादेश वर्सेस केन्या का मैच है जो बंगबंधु कबड्डी कप 2021 का फाइनल है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट हाफ का स्कोर बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पे हाफ टाइम के स्कोर में बांग्लादेश के थे 10 पॉइंट्स एंड वहीं पे केन्या की टीम थी 18 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे केन्या की टीम 8 पॉइंट्स यहाँ पे लीड कर रही थी। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से पलटा है मैच, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फुल टाइम का स्कोर बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ पे बांग्लादेश ने फुल टाइम में 34 पॉइंट स्कोर किया, वहीं पे केन्या का फुल टाइम में था 28 पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 6 पॉइंट से बांग्लादेश की टीम जीत चुकी है। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 पॉइंट से केन्या की टीम लीड कर रही थी, एंड यहाँ पे सेकेंड हाफ में यहाँ पे केन्या की टीम बांग्लादेश की टीम यहाँ पे 6 पॉइंट से मुकाबला जीत चुकी है। इसी कबड्डी कहते गाइस, यहाँ पे कभी भी मैच बदल जाता है और रोमांचक बहुत ही मैच था। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कबड्डी पोलैंड ने एक बहुत ही जरूरी बात किया है अपने फ्यूचर के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कबड्डी पोलैंड ने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड किया जहाँ पे नीचे बहुत बड़ा 3 पैराग्राफ लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इन बांग्लादेश वी हैड द हॉनर टू मीट द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन डॉक्टर ई प्रसाद राव। वी टॉक अबाउट द कोऑपरेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कबड्डी इन पोलैंड एंड यूरोप। द इन्विटेशन टू बांग्लादेश इज द बेस्ट प्रूफ दैट द कोऑपरेशन बिटवीन द पोलिश कबड्डी फेडरेशन एंड IKF ब्रिंग्स टेंगेबल रिजल्ट्स। डॉक्टर राव रिशिव कमेमोरेटिव पेनेंट फ्रॉम एंड फेडरेशन। द प्लेयर ऑफ द पोलिश नेशनल कबड्डी टीम रिसीव अ बुक अबाउट ट्रेनिंग मैटर्स इन कबड्डी, द ऑथर ऑफ विच इज डॉक्टर राव। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले कबड्डी पोलैंड की टीम ने यहाँ पे जैसे कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन यानी कि IKF के जो डायरेक्टर है, टेक्निकल डायरेक्टर है डॉक्टर ई प्रसाद, उनसे बात किया कि यहाँ पे कबड्डी कितना डेवलपमेंट हो सकता है पोलैंड एंड यूरोप में। तो गाइस, यहाँ पे सबसे बेस्ट प्रूफ यही है कि यहाँ पे बांग्लादेश की जो कबड्डी फेडरेशन है उन्होंने यहाँ पे पोलिश कबड्डी फेडरेशन को इन्वाइट किया टूर्नामेंट में और यहाँ पे डॉक्टर राव में गिफ्ट दिया है सभी प्लेयर्स को। तो गाइस, यहाँ पे जिसमें आप अपने कबड्डी के स्किलों कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा कबड्डी पोलैंड की टीम ने कहा और हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे कबड्डी नेशनल लेवल पे जाए। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, यहाँ पे अगला अपडेट निकल कर आता है रण सिंह के रिलेटेड। दोस्तों आज रण सिंह का बर्थडे, तो गाइस कमेंट सेक्शन में रण सिंह के लिए हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आज एक और प्लेयर का बर्थडे है जिनका नाम है विकास कंडोला। या दोस्तों विकास कंडोला का भी आज बर्थडे है और उनके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल आता है पुनेरी पल्टन के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे पुनेरी पल्टन ने फाइनली यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 के रिलेटेड एक पोस्ट किया है जहाँ पे एक फोटो आप देख सकते हैं ग्रीस मारुति इन्ना खड़े हैं और यहाँ पे नीचे लिखा है कि मीन वाइल वेटिंग फॉर द सीजन 8 अनाउंसमेंट बी लाइक। यहाँ पे मतलब कि एक हिसाब से बताया है कि अगर सीजन 8 के लिए हम लोग कैसे वेट कर रहे हैं, सेम टू सेम अभी हमारा ऐसी हालत है, स्थिति है कि हम प्रो कबड्डी सीजन 8 का कब से इंतजार करें कि कब अनाउंसमेंट होगा कि प्रो कबड्डी सीजन 8 होगा। हाँ, इसी साल होने वाला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर ऑफिशियल से अनाउंसमेंट हो जाता है तो यहाँ पे दिल पे सुकून मिल जाएगी, यहाँ पे एक अलग ही राहत मिल जाएगी कि यहाँ पे प्रो कबड्डी फाइनली चलो स्टार्ट तो हो रहा है। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। गाइस, यहाँ पे अगला अपडेट निकल आता है बंगबंधु कबड्डी कप 2021 के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे बंगबंधु कबड्डी कप 2021 का फाइनल जो बांग्लादेश वर्सेस केन्या के बीच में खेला गया था उसके मैन ऑफ द मैच है अब्दुल जमान मुंशी और वो मैन ऑफ द मैच है, उनको एक ट्रॉफी मिला है और साथ ही साथ उनको चेक भी मिला है। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आपको बहुत सारे पहले पता चल गया होगा कि यहाँ पे कबड्डी का एक एनिमेटेड सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे जो सीमो कबड्डी यानी कि सीमो एक कबड्डी प्लेयर इंटरनेशनल, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो स्टोरी अपलोड किया है जहाँ पे फुल चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है, पोस्टर भी चाइनीज लैंग्वेज का है और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्टर में
4 and 2 लिखा है। तो गाइस मेरे हिसाब से 2 अप्रैल को यहाँ पे ये लॉन्च हो चुका है। अब ये मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, यहाँ पे चाइनीज जिसको आता है आप कमेंट करके जरूर बताइए कि नीचे मतलब कि पूरे स्टोरी में क्या लिखा गया है। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ये लगता है कि यहाँ पे जो एनिमेटेड सीरीज है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे चैनल को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल 35 के सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।